वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जेहलम में गैस सिलेंडर फटने से अफवाद पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वाक़े में जाबहक होने वाले अफराद के लिए मकफिरत, अहले खाना और जख्मी होने वाले 10 अफराद के लिए जल्द सेहत याबी की दवा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतल्लिका हुक्काम को जख्मियों के इलाज मुआलजे में कोई कसर न छोड़ने की हिदायत। इलेक्शन वक्त पर होंगे, कौम से उम्मीद है कि वो दोबारा मुल्क को किसी आजमाइश में नहीं डालेंगी। मुल्क को तबाही से हमकिनार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात, कहा एक माह बाद मरकज की हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया, हम अपनी मुद्दत पूरी करने पर हुकूमत छोड़ देंगे, इसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इस हवाले से मुश्किल का भी सामना है, कर्जों का बोझ भी कम होना शुरू हो गया। मौजूदा और साबिका हुक्मरान जमाते स्टेटस क्वो का तसलसल है। जमात इस्लामी मुल्क में कुरान का निजाम चाहती है, अमीर जमात इस्लामी सिराज भट्ट का बयान, कहा कर्जों से मीशत चलाने पर पीडीएम पीपी पीटीआई में इत्तफाक है, सूदी निजाम जारी रखने पर हुक्मरान जमाते एक पेश पर हैं। पाकिस्तान का ताकतवर इदारा इस वक्त मुकम्मल न्यूट्रल है। 5 किरदारों ने पाकिस्तान की बर्बादी की बुनियाद रखी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वफाकी वजीर रियाज जावेद लतीफ का बयान, कहा आईएमएफ वक्त इस हैसियत से हुकूमत की बजाय एक सियासी जमात के पास गया। उनका कहना था कि आईएमएफ से कर्ज मिलने पर खुशी इस बात पर थी कि एक मखसूस जमात की तरफ से मुखालिफत के बावजूद कामयाबी हासिल थी। इस्लामाबाद में दफा 144 में मजीद 2 माह की तोसी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में जल्द से जलूसों पर पाबंदी आए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक इस्लामाबाद में मंसूबे के तहत अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की जा रही है। भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया, जिससे शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में 70,000 क्यूसिक का रेला दाखिल हो गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक चक झिंझड़ और चनमान सिंह के खेतों में पानी दाखिल। डिस्ट्रिक एमरजेंसी ऑफिसर का कहना है कि शकरगढ़ के इलाके में सैलाबी पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। और मुल्क भर में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिता पठार, जनूबी पंजाब, बलाई सिंध और शिवाली मशरकी बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। सिद्धि, बारखान, योब और मुसाखेल में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकश।